Oh, man.
Oh,
अगर आ गया है तो ये रास्ता कहाँ है? चरणजीव ने वो मेरी लाल बेटा तुमने बहुत दिन लगा दिए। जहाँ रुकना चाहते थे लेकिन यहाँ से जो रुक गया उसमें जो रोकने को कहा पिताजी के अध्यक्ष नहीं हुए। बेटा जरा धीरे करो और सफर की थकान दूर करो फिर सब हाल मालूम हो जाएगा। कि मैंने खुद को कलंक लगाया।
निश्चय किया वर्तमान के राजा आ जा राजनीति के मार्ग पे आ जा। मेरी राजनीति यही है कि मैं श्री रामचंद्र जी को वापिस लाऊं और उन्हें यही राजगद्दी पर बिठाऊं। तुम्हारी मनी आशाओं को और हाथ हाथ में मिलाऊं। मुगल नीति से जो चाह है वह नहीं होगा, ये गति राम की है, राम ही गति नहीं होगा। बचाएगी कि तू मेरा और मंत्रा का गुणगान करे, उल्टा मुझे धिक्कारना है। ये तुम क्या कर रहे हो? बस ताकि पत्नी कैम रखनी है तो दूर ही आना। राधा जी तमाम विष किसी का बोया हुआ है, शोक जो हमारे घर उस सारी नगर को छा रही है, इसे कंटक किसकी डालिया है। ये दिल में ये आता है इसी को कार दूर जड़ से कि सारा पाप कर्चा की कर्चा से घर से। हम अपने धर्म से क्यों झुकेंगे? क्या आपको उससे डाली पर दे आती है? महाराज हमारे भैयों को हथियार उठाने की कोई आवश्यकता नहीं, मैंने ही इनको आदेश दिया था। परंतु अब खबर आई है कि आपके भाई भरत जी के मन में आपके लड़ाई की कोई आशंका नहीं, ना कोई ईर्ष्या है ना कोई द्वेष है। मैंने सोचा था 14 वर्ष का राज्य पाकर उम्र पर राजगति पर विराजमान होने का लालच आपके पीछे ना लाया हूँ, परंतु ऐसा नहीं है। भरत जी कहाँ है? वो थोड़ी ही दूरी पर है, यहाँ आ रहे हैं। तो जाइए, आप उनकी आगवानी कीजिए और मैं देख लिया। हेलो, करते हैं अपराध चरणों के चेहरे देखना, देखना अपनी तरफ प्रभु अपना मेरे देखना। उठो भाई भरत, और मेरे हृदय को ठंडा कर।
मुंह से उठो। हे परमात्मा, तुमने मुझे एक डाइन के पेट से पैदा किया। भरत कब है छाती लगाने के काबिल, कहा मैं नहीं भूत दिखाने के काबिल। ये सब कुछ था, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। मैं ही संकट मूल हूँ, मैं ही आपके मारे का शूल हूँ। मुझे ठोकरों से ठुकराइए, इस अपवित्र शरीर को अपने क्रोध की अग्नि से जलाइए। भाई भरत इतना बच्चा था, वो भी आपके यहाँ, तुमने ऐसा क्या किया? ये धाम जो अधल हो गया, ये तो बस होना ही था, ले किया पर हो गया। चाहता हूँ कुछ कहूँ लेकिन कहा जाता नहीं। प्रेम की तरंगों से मेरा मन गदगद हो गया। मैं कैसा पापी हूँ, वैसा ही सुचार कीजिए। ये समेत दिया प्रेम को अपने निकट ना ले दीजिए। प्रेम स्वभाव की कोमलता से दुष्टों का हौसला ना बढ़ाइए और इस आंसुओं को क्रोध की चिंगारियों में जलाइए। जो आंखें डगमगाती हैं, दया के द्वार खुलते हैं। जब गिरते हैं पवित्र आंसू तो मेरे वहां फूलते हैं। मैंने यहाँ का बड़ा अपराध किया है और मैंने उन दोनों का अपराध किया है। पछतावे से मेरा चेहरा पीला हो रहा है। भरत की बर्फी और आपकी दूरदृष्टि से लक्ष्मण पानी पानी हो रहा है। पाप करना था जो पाप काम मुझे, वो मैं फिलहाल कर बैठा। बिना ही बाप के भाई की आंखें लाल कर बैठा। खूब होता जो आप मुझे धुतकार दे, मुझे ठोकरे मारते। भाई उन भाप कहकर पुकारते, रहम से मेरी खुदा को काट कर रह गए। भाई के आके अपने लाल करके रह गए। भाई भरत और कौन कौन आया? गुरु जी, माता जी, शत्रुघ्न और आदि अयोध्या आ गई है। लो प्रभु वो आ गए। ये रहो। लीजिए माता जी, ये सब लोग कुछ भी नहीं आगे। प्यारे भरत, सुनने और शत्रुघ्न को देखने को बहुत ही चाहता था। शुक्र है आज दीदार हो गया। और बताओ कि पिताजी का क्या हाल? मेरे ननिहाल से आने से पहले पिताजी स्वर्ग से भाग गए। तो हम के चार पुत्र समय पर एक भी पास ना था। ईश्वर की लीला अपराध है। ये मेरी जिंदगी का पुरस्कार है। पिताजी का साया सर से उठ गया।
अयोध्या सूनी हो गई और मेरी बदकिस्मती दूरी आए पिताजी प्यारे बहुत अफसोस हो चुका ये दुनिया दर्शन मेला है, ईश्वर ने अनोखा खेल खेला है। अब वक्त की बात सुनिए, गजे बुरा बात सुनिए। महाराज सीता माता और नकन सहित महाराज आप अवध पे राज करें और हमें और शत्रुघ्न ये बनवासी का काम काज करें। समझदार दानिशमंद ऐसी बातें करके मुझे मजबूर मत करो पिताजी का हुक्म जानो। मुझे धर्म से हटाए ये किसकी मजाल है। अगर फिर भी मनाने खाते हैं तो ये खराम हाजिर है। अगर बड़ों का कहना मानते हो तो सतगत के लिए ये खराव ही काफी। समय जानो और हमसे कुदरत को पहचानो। लोगों पर प्रकोप का तुमको भला दरकार हो, आज्ञा माँ बाप की तुम अपने सर पर धार। प्यारे भरत राम कदापि अपने मार्ग से हटने वाले नहीं है। इनकी क्या आज्ञा का पालन करना आपका धर्म है। अब इनकी आज्ञा मानो और वापस अयोध्या लौट चलो। हाँ भाई आप तुम्हारे लिए अयोध्या लौट जाना ही उचित है। और फिर ये 14 वर्ष बीत जाने पर फिर से मिलेंगे और दिल के कमल खिलेंगे। आप कदमों से दूर करते हैं, अयोध्या जाने पर मजबूर करते हैं। हुक्म टालूं तो गुनाह, मुंह से हर्फ निकालूं अब क्या करूं, क्यों ना जल मरूं। खैर क्यों मर्जी हो यही बेहतर। तख्तो ताज पर लात मारूंगा, राजसी पोशाक उतारूंगा, ना दुनिया से सरोकार, ना कोई कार ना कोई काम, पर सुबह पर होगा आपका नाम। लाइए खड़ाए दीजिए और योग साधने के लिए रुखसत कीजिए। भरत देखो बलाल ना करना। राम भक्त ही चला रे राम की निशानी, राम भक्त ही चला रे राम की निशानी, निशानी राम भक्त ही चला रे राम की निशानी। सर पे कटा में अखियों में पानी, सर पे कटा में अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, निशानी राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। सर पे कटा राम की आती जोड़ी हो जैसे,
अर्जुन जी आप जाइए और जंगल से कुछ कंद मूल फल ले आइए। Thank you.
आवाज नहीं करेंगे और कोई सीटी बोलना नहीं करेगा। आराम से देखिए I'm not afraid to die.
है बल्कि रूप भी तेज कहता है कि जोगी भी है और भूख भी। हाय मैंने इन्हें क्यों देख लिया, चपल लोचन मुझे बेचैन बे आराम करते हैं। ये किस बन के हिरन हैं जो बटिक का काम करते हैं। मदन मूर्ति पुरुषोत्तम तुम कौन हो? हम अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के राजकुमार। मेरा नाम तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम राम और इन्हें लक्ष्मण कहते हैं। तुम किसके बेटे हो, किसकी स्त्री हो? मैं जगत विख्यात लंकापति रावण की बहन शूर्पनखा हूँ और पति का नाम बस थोड़ी ही देर में जान जाओगे। तो यहाँ कैसे आई हो? मान लो ये गेंद नहीं पृथ्वी का गोला है और मैं चंद्रमुखी हूँ, ये प्रकट बात है। बस इसी के गिर्द घूमा करती हूँ, यही शुगल दिन रात है। मुझे हासिल है आजादी कहीं भी आने जाने में, लगाती रहती हूँ रात दिन चक्कर न जमाने के। बड़ा भ्रमणशील स्वभाव पाया। भ्रमणशील नहीं, तुम सुनकर खुश होगे कि मैं पति की तलाश में फिरती हूँ। क्या अभी तक तुम्हारा विवाह संस्कार नहीं हुआ? हो कहाँ से, मेरे जैसा बलवान गुणवान शोभा के खान पर ही नहीं मिलता। सुर के सर मेरे पति बने, इतनी उनकी औकात कहाँ। गंधर्वों में ही हुस्न कहा, ये रूप कहा, ये बात कहा। मैं कहा फूल की सी पत्ती, वो आफताब के पात कहा। हो लाख हसीन जमाने में, लेकिन फिर भी ये बात कहा। हाँ तुम कुछ कुछ इस काबिल हो कि पति बनो और प्यार करो। मैं तुमको अंगीकार करूँ तो मुझको अंगीकार करो। देवी दया करो, हम पर दया करो और इस आशा को छोड़कर अपनी राह लो। राह लो, ये क्या चाहते हो? भूखे भिखारी होकर खीर की थाली को लात मारते हो, मुझे धुतकारते हो। धुतकारते नहीं, तुमसे क्षमा चाहते हो। क्यों, राजकुमार होने का बड़ा घमंड है क्या? तो मैं भी तुमसे उच्च वर्ण वाली हूँ। मैं भी लंका के राजा रावण की बहन शूर्पनखा हूँ। वरुण और जाति का गरुड़ है तो तुमसे उच्च वरुण वाली हूँ। मानो हमारा स्वरूप विधि ने विचार रखा है, सूर्य बनाने वाले ने चंद्रमा तैयार कर रखा है। संकोच छोड़ दो वनवासी, पूरा विधि का उत्साह करो। मैं तुमको आज्ञा देती हूँ, तुम मुझसे गंधर्व विवाह करो। निसंदेह तुम सब प्रकार से हमसे श्रेष्ठ, परंतु भद्रे एक स्त्री के होते हुए हम दूसरी अर्धांगिनी कैसे कर सकते? जिस तरह तुम्हारे बाप ने बना रखी है, बड़े धर्माचारी बनते हो, मेरे सामने शेखी बगाड़ते हो। पिता ने तो तीन तीन कर रखी है और तुम दो से घबराते हो। कुछ भी हो, राम को सीता के सिवाय आज ही उसे चूल्हे में डालो। निघोड़ी कुरूपा टेढ़े पेट वाली। भद्रे मेरे कहने का तात्पर्य ये था कि हमारे भाई लक्ष्मण जी बड़े सचित्र और अच्छे नौजवान हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी आशा मुराद उनके पास लेकर जाओ, क्योंकि उनकी स्त्री उनके पास नहीं है। मैं इसलिए भी मार डालती हूँ, झाड़ू के एक ही हाथ से सारा कूड़ा करकट साफ हो जाएगा। देखो तुम्हें इस प्रकार कुछ करने की जरूरत नहीं, तुम जाओ और हमारे भाई लक्ष्मण जी से ऐसे ही विनय करो, शायद तुम्हारी आशा पूरी हो जाए। इसलिए भी कि वो हर प्रकार से तुम्हारे पति बनने के काबिल। जाओ उनसे विनय करो, शायद तुम्हारी आशा पूरी। क्या कहा, उनके पास स्त्री नहीं है? नहीं है।
क्यों झूठ बोलते हो? अगर तुम दशरथ के बेटे राम हो जिन्होंने जनकपुरी में शिव का धनुष तोड़कर सीता को ब्याहा था, तो तुम चारों भाइयों का विवाह वहाँ एक साथ हुआ था, तो फिर इस झूठ से तुम्हारा क्या मतलब? झूठ नहीं, मेरा मतलब है कि इस समय उसके पास नहीं। ओ, यहाँ पास नहीं है? वाह वाह, अच्छा पाठ पढ़ाते हो। झूठ का अर्थ बदलने के लिए मुझे सफरी बीवी बनाते हो, अपना दूसरा विवाह कर नहीं सकते और भाई का कराते हो। धन्य है ऐसी रीति को, शाबाश ऐसे तौर को, मीठे मीठे अपने मुंह में और कड़वे कड़वे और को। है तुम्हारे कहने से वहां भी जाते हो? अच्छे, तुमने सुना तुम्हारे भाई साहब क्या कह रहे हैं? हाँ, मैंने सब सुना, लेकिन ये भी, मैं तो उनका दास हूँ। दासीपन का सुख पाने की आशा ऐसी है जैसे भिखारी होकर मान पाने की, दुराचारी होकर जश कमाने की। वो कुल कलंकनी पिशाचिनी यदि हुआ नहीं विवाह तेरा, अपने भाई पिता से कह वो करे कहीं और तेरा। अगर विवाह हो चुका हो तेरा, तो जान मुझ पति की सेवा कर, वही इरादे ले तेरा, उससे सुख की आशा कर। यदि विधवा अवस्था में हो तो पति नाम की जोगन बन जा, देश और जाति की सेवा को बस एक सच्ची सन्यासन बन जा। ठीक है, मैं समझती हूँ कि तुम इस विकराल मूर्ति से डरते हो, इसीलिए इनकार करते हो। मैं अब भी इस पत्थर को रास्ते से हटाती हूँ। लक्ष्मण सुंदरी, मेरा इधर आओ, मेरे पास आओ। तुमने अपने कठोर शब्द जो ठाकुर जी पर चढ़ाए हैं उसका प्रसाद तो लेके जाओ। ऊपर के बैठो। खबर लूंगा और यथाशक्ति आपको पता भी नहीं चलने दूंगा। सजा आएगी किसकी, वो अग्नि में टूटेगा, जहाँ आपका पुष्टा है धुआं देगा ना फूल देगा। फिर भी सावधान रहने का समय है। जैसी आ Thank you.
चला
बहन है हमारी, ये तो स्वरूप लिखा, ये बता तेरी हालत किसने की है।
भाई वो राजा दशरथ के बेटे राम और लक्ष्मण है जो सीता जी को वन में ढूंढ रहे हैं। मैं उधर गई तो उन्होंने मेरे साथ हंसी ठट्ठा किया और फिर मेरी नाक काट डाली। हाँ ये तो बहुत बुरा हुआ पर एक तरफ से अच्छा हुआ, तुम्हारी नाक कट गई थी जो दर्द हो रहा है नहीं हो रहा, अच्छा हुआ नाक कट गई, मक्खियों का अड्डा खत्म हो गया। साथ में आप इसको तो काम भी नहीं होगा। एक काम करते हैं, किसने राम ने किसने नाक काटी अभी? राम और लक्ष्मण ने। हाँ ऐसे करो आप जाकर विश्राम करो, हम अभी राम लक्ष्मण की चटनी बना देंगे। जाओ वो देखो इधर से कोई आ रहा है। हाँ अब कहीं भी कोई भी दिखाई दे ना मारो, ये सारा क्षेत्र कृष्णा के राक्षसों का है, इसलिए इन राक्षसों के साथ युद्ध करके इनको यमलोक पहुंचाकर इस क्षेत्र से राक्षसों के भय का अंत समाप्त कर दो। क्या तुम ही राम लक्ष्मण हो? हाँ मेरा ही नाम राम और इन्हें लक्ष्मण कहते हैं। बहन सुरुपरेखा की नाक किसने काटी है? मैंने काटी थी। तेरी कर्तव्य अंदर दशरथ के बेटे राम
और लक्ष्मण का नाम लेते ही रूह थरथराती है। मोटी मोटी आंखें, लंबे लंबे पायु देकर दिल दहल जाता है। उसी ने आपके भाइयों को मौत के घाट उतारा है। इसमें कोई शक नहीं कि रामचंद्र और लक्ष्मण बड़े बहादुर हैं, मगर राम राम की तो कुछ और ही बात है। बस समझ लीजिए, अकेली जात नहीं, देखते देखते सारा मैदान खाली कर दिया। अगर मैं वहां से जान भगाकर ना भागता तो आपको खबर देने वाला कोई ना होता। तुम तसल्ली रखो, राम और लक्ष्मण से अपने सारे भाई बंधुओं का मौत का बदला लेकर आऊंगा। इसकी तो महाराज मुझे कोई उम्मीद नहीं। राम तो राम, लक्ष्मण ही आपके लिए काफी है। हाँ, अगर आप उनकी जानकी को उठाना है फिर हमारे पांव पर आए। रामचंद्र जानकी के कम में जान दे देगा, फिर क्या पाला अपने हाथ में है। क्यों ना आप राम को मार सकते हैं और ना लक्ष्मण को। कंपन, मेरे बहादुर सरदार, तुम जाओ न राम और लक्ष्मण से अपने सब भाइयों का बदला लेकर रहूं। मैंने शंकर से चंद्रहास तलवार और ब्रह्मा से भर पाया, सूर्य और चंद्र को अपने वश में कर रखा। ब्रह्मांड में मेरे समान आज कोई नहीं। चाहूं तहां के एक सारे से धन चला लू, परंतु एक स्त्री का हरना फिर मेरे लिए एक राजा होकर ये उचित नहीं। फिर मैं वेद शास्त्र का ज्ञाता होकर इतनी बड़ी भूल करूं, ये ठीक नहीं। महाराज, मैंने तो जो कुछ कहना था कह दिया, आगे आपकी मर्जी है। अच्छा, भगवत प्रणाम मैं करता हूं। मंत्री जी, दरबार लगाया जाए। मंत्री जी, नाचने और गाने वाले को बुलाओ।
भैया तुम्हारे ऐशो आराम को तबाह करने वाला, तुम्हारी इज्जत पर हाथ डालने वाला तुम्हारे ही राज्य में घूम रहा है। रूपलेखा साफ साफ बताओ क्या माजरा है। बताऊं क्या खा, ना सर पर बाल और ना मुंह पर ना रावण, धिक्कार है तेरे राज पर, दुख है तेरी शर्मोलाज पर, फटकार है तेरी शर्मोलाज पर, तेरे राज्य में राक्षसों का ये हाल, सिर पर दुश्मन आ गया और तू यहाँ बैठा आनंद मना रहा है। मुझे क्या बताऊं भाई, तेरे दिनों का तो अंत आ गया है, मेरी नाक कट जाए और तू यहाँ बैठकर जश्न मनाए। मगर तथा कौन मौत का खरीदार? भाई दो लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए हैं और संग में सीता नामी सुकुमारी लेकर आए हैं। नागा उधर में निकल गई, उस नारी से मिलना चाहा, उस समय निगोड़े लक्ष्मण ने उससे छल करना चाहा, फिर मैंने मेरा नाम लिया तो उसने मुझको दी गाली, फिर मेरे बाल ऊपर डाले और मेरे नाप ऊपर डाले, मेरी नाप यही सो गई, अब अपनी नाप बचा लो तुम, जब ने जब ऊंचा नाप नहीं तो नक्ता नाम रखा लो तुम। निश्चिंत होकर तुम विश्राम करो, मैं बहुत जल्द तुम्हारी नाक पर कान का बदला लेकर रहूंगा। सीरा वो काटे नाकदारी और जीते रहे जमाने में, पूजे टूटे ये पीछे बुझा मेरी लांगत है शत्रु उठाने में। तुम बैठो थोड़ी धीर करो, मैं तुम जब बनने चाहता हूँ तेरे नाक कान का बदला तपस्वियों से अभी चुकाता हूँ। ठीक है भाई, इस विषय में हम अकेले विचार करना चाहते हैं, सभा पर खास की जाए। सरिवाला दूर करे
I'm gonna